आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे माननीय राष्ट्रपति युद्ध में वीरता की मिसाल कायम करने वाले सिपाहियों को परमवीर चक्र से सम्मानित करें। यह हमारे राज्य के लिए फक्र का विषय है कि हमारी मिट्टी में जन्मे एक नौजवान ऑफिसर बंटी को परमवीर चक्र से नवाजा गया। गुड मॉर्निंग सर। सर क्या हुआ? सर आप अंदर नहीं जा सकते। किसका ऑर्डर है? मेरा। फैक्ट्री को ताला मार दिया है। पहले से काफी लेबर प्रॉब्लम्स है, कोई फसाद खड़ा ना हो इसलिए लेबर अंदर अलाउड नहीं है। आप चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं इसलिए आप जा सकते हैं। अरे ये क्या बात हुई? लेबर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एमएलए साहब ने हमें यहाँ बुलवाया है और आप इन्हें रोक रहे हैं? इन्हें रोकने के ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं, आपको अकेले जाना होगा। बाधाएं आती हैं तो आए, घिर प्रलय की घोर घटाएं, पांव तले अंगारे, सिर पर बरसे ज्वालाएं। वाह वाह वाह, नीचे क्या कर रहे? ऊपर आ जाइए ना। नमस्कार मिलिट्री माधवराव। नमस्कार। अजीब बात है, आप रिटायर हो चुके पर मिलिट्री आपको छोड़ने को तैयार नहीं। आपके नाम के साथ मिलिट्री जुड़ गई। आपके नाम के साथ भी तो एमएलए जुड़ गया, लगातार तीन बार से तो आप ही जीत रहे हैं। क्यों? बिल्कुल सही कहा, आप ही तो जीत रहे हैं। उड़ती उड़ती खबर मिली है कि केंद्र मंत्री से मिलने जा रहे हैं आप, क्या ये सच है? सही सुना, मिनिस्टर मेरा दोस्त है, मिलिट्री में मेरे साथ था। क्या बात है, मंत्रियों के साथ नाता जोड़ो, पेट्रोल पंप के लाइसेंस लो या एक दो फैक्ट्रीज के परमिशन ले लो, थोड़ा पैसा बना और सुख से जियो, मुझे बड़ी खुशी होगी। 30 साल पहले सरकार ने पब्लिक सेक्टर के तहत फैक्ट्री शुरू की थी। इससे न सिर्फ 2000 मजदूरों के परिवार का पेट भरता था बल्कि उसके साथ साथ गन्ने की खेती करने वाले हजारों किसानों के घर के चूल्हे भी जलते थे। लेकिन लोगों को फरेब देकर तुमने इसे घाटे में लाकर बंद करवा दिया और अब अपने ससुर एग्रीकल्चर मंत्री की मदद लेकर इसे कौड़ियों के दाम हासिल करना चाहते हो। इसे आपको क्या दिक्कत है? ना तुम मजदूर हो, ना ही उनकी यूनियन के लीडर हो, ना तुम किसान हो, ना ही कोई पॉलिटिशियन हो, तो इन बेकार के पचड़ों में क्यों खामखा पड़ रहे हो? बर्फीले पहाड़ों पर एक जवान अपनी जान को जोखिम में डालता है किस लिए? ताकि सरहद पर दुश्मन हमारी धरती माँ के सीने पर पाँव न रख सके। तो देश के अंदर के दुश्मन को अपने देश के लोगों को कैसे लूटने दूंगा? तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं मैंने, कल सुबह तक वो फाइल सेंट्रल मिनिस्टर के हाथों में होगी। अभी क्या कहा था तुमने, मैं इन पचड़ों में क्यों पड़ रहा हूँ? मैंने मिलिट्री से रिटायरमेंट लिया है, युद्ध से नहीं लिया है। जंग लड़ना मेरे खून की फितरत में है। एक बार जो सिपाही बन जाए वो मरते दम तक सिपाही ही रहता है। जब तक जिंदा रहूंगा तो मैं फैक्ट्री हासिल नहीं करने दूंगा। तथास्तु। तेरी मृत्यु निश्चित है। पूरी दुनिया अपने परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाती है, लेकिन एक आप हैं जो अपने बेटे को बॉर्डर पर भेजकर खुश होते हैं। कहते हैं कि फौजी को हमेशा बॉर्डर पर होना चाहिए। अब वो देश की रखवाली कर रहा है, इस बात पर आप कितना गर्व महसूस करते हैं, लेकिन उसके बिना दिवाली सूनी है। मिठाई खाने का भी मन नहीं करता, अपनी अंधी बेटी की बिल्कुल परवाह नहीं आपको। पापा क्या है बेटी? ये क्या, मैं आपसे बात की जा रही हूँ और आप जवाब तक नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे भाई को चिट्ठी लिख रहा हूँ। मेरा भी प्रणाम कहिएगा और उनसे पूछिएगा मैंने जो अचार भिजवाए थे वो खाए या नहीं। सुन रहे हैं ना? पूछ लूंगा। ओ कितना शोर हो रहा है, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। पापा, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? कोई है यहाँ? पापा। अपनी जान जोखिम में डाल के हम सब लोगों की जान बचाई और परमवीर चक्र हासिल किया। तुम सचमुच रियल लाइफ के एक महान हीरो हो। ये बता,
मेरे सीने पर ये मेडल देखकर उनका सीना चौड़ा होगा कि नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो, 30 साल की इतनी लंबी सर्विस में उन्हें एक भी मेडल नहीं मिला। क्या तुम्हें एक बात पता है, आर्मी के तुम यंगेस्ट ऑफिसर हो जिसे ये परमवीर चक्र मिला। ऐसी बात है, जो उन्होंने 30 साल में नहीं किया मैंने 3 साल में किया। मैं ग्रेट हूँ बापू, ये देखकर शौक लगेगा उन्हें। आपके लिए ये टेलीग्राम आया है सर। क्या हुआ, क्या बात क्या है? पिताजी गुजर गए, जल्दी गाँव आ जाओ। अरे बंटी आ गया भैया। बंटी बंटी देखना क्या हो गया। बंटी अंकल नहीं रहे, बंटी अंकल नहीं रहे, अंकल नहीं रहे। क्या बाबू, आज तक आपको दाढ़ी रखना पसंद नहीं था, फिर आज आपने शेव क्यों नहीं की? एक जवान को हमेशा टिप टॉप रहना चाहिए, ये बात आप ही ने सिखाई थी ना मुझे। फिर आज दाढ़ी क्यों नहीं बनाई? आजकल आलसी हो गए आप। लग गया, सॉरी। हाँ, पिताजी का अंतिम संस्कार इसी जमीन पर करेंगे। सोल्जर, अब चल बंटी, कब तक यहां रहेंगे? इन्हें शमशान ले जाना है। शमशान नहीं, हम अपनी जमीन पर उनका अंतिम संस्कार करेंगे। आप ये वस्त्र पहन लीजिए। किस लिए? श्वेत वस्त्र पहनकर कर्मकांड करेंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आप अपने जनेऊ उतारेंगे? हाँ, क्या कह रहे हैं, इसके बिना मैं कर्मकांड नहीं कर सकता। आपके लिए ये पवित्र है, पापा के लिए यूनिफॉर्म पवित्र था। मैं इसी यूनिफॉर्म में उन्हें अग्नि दूंगा, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। विधि शुरू करिए। रुक जाओ, यहां किस लिए? यहां समाधि स्थल बनाने आए हैं। कोई से हाथ नहीं लगाएगा, यह समाधि स्थल मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगा। हर काम में आपको जल्दी रहती है। याद है एक बार किसी ने शिकायत की थी और आपने मेरी पिटाई कर दी थी, बाद में पता चला गलती मेरी नहीं है तो रोने लग गए थे। हमेशा कहते थे बेटा इस लाइफ में तेरा कुछ नहीं हो सकता। पता है सबसे कम उम्र में मुझे ये परमवीर चक्र मिला है। पर आपको जाने की जल्दी थी। सच कहूं तो ये मेडल मुझ पर नहीं, आप पर ज्यादा सूट करता है। ये जो पूरा इलाका है वो सोना उगलेगा। ये दो पर्वत हैं, पांडु वाला पर्वत, इन दोनों पहाड़ों के उस तरफ 1,00,000 एकड़ गन्ने की खेती है, और इन पहाड़ों के इस तरफ यहां पीछे देखिए एक गवर्नमेंट शुगर फैक्ट्री है, पूरी तरह सुसज्ज है।
यहाँ गन्ना पैदा होगा और गन्ने से पैदा होगी शक्कर। अरे ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो। इस पर्वत से उस पर्वत के दोनों तरफ 30 किलोमीटर तक कोई भी सड़क नहीं है। खेती से आने वाले ट्रक्स को 60 किलोमीटर चलना पड़ता है। प्रोडक्शन कॉस्ट दुगनी हो जाती है। नफा जाता है तेल लेने, और यही सबसे बड़ी वजह है कि फैक्ट्री बंद हो गई। बड़े बड़े ताले लटके हुए हैं वहाँ पर। इस फैक्ट्री को डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत मैंने खरीद लिया। कौन सी स्कीम? अरे जेब कतरे जैसे शहर में अपने अपने इलाके बनाते हैं ना, आजकल एमएलए और तुम्हारे पापा जैसे नेता लोग घाटे से बंद पड़ी सरकारी फैक्ट्रीज को गोड़ियों के दाम खरीद कर आपस में बांट लेते हैं। यही है डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम। कुछ भी मत फेंको, पूरे 25 करोड़ में खरीदा है। इसकी असली कीमत 250 करोड़ है। इस हिसाब से मूंगफलियों के दाम पर इसे खरीदा है साहब ने। 8 किलोमीटर डीजल जलाने के बाद फैक्ट्री का प्रॉफिट खड्डे में ही जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर इन दोनों पर्वतों के बीचों बीच हम एक रोड बना दें, तो इस शॉर्टकट से गन्ना सीधा फैक्ट्री के अंदर होगा। इतनी सी बात थी तो ये सड़क पहले क्यों नहीं बनाई? इतनी देर क्यों लगी? एक इंजीनियर ने भी यही सवाल उठाया था। अगले दिन उसकी लाश उठाई गई थी। क्या कह रहे हो? 60 किलोमीटर के बजाय सिर्फ 5 किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट मिलने से कॉन्ट्रैक्टर को बहुत बड़ा लॉस हो जाता ना। उस लॉस से बचने के लिए उस कॉन्ट्रैक्टर ने इंजीनियर को बलि का बकरा बना दिया। कॉन्ट्रैक्टर कौन था? इनके महान ससुर जी। सड़क के अलावा उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने गन्ने को फैक्ट्री तक पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट भी हथिया लिया। जैसे मशीन गन्ने से सारा जूस निकाल देती है, ठीक वैसे ही उन्होंने फैक्ट्री से सारा प्रॉफिट निचोड़ लिया और अब उनके दामाद ने फैक्ट्री हड़प ली। इतनी तारीफ काफी है। अब सुनो, फैक्ट्री तक रोड बनाने के लिए यहाँ के गरीब किसानों से जबरन कौड़ियों के दाम पर खेत खरीदने होंगे। भाई मैं समझ गया, मैं समझ गया। क्या समझा पूछना? ऐसे तू बोलेगा नहीं, चल बता। अब ये जमीन छीनने का काम ये लॉयर, ये कलेक्टर और ये इंस्पेक्टर मिलकर करेंगे।